हमारी रेसिपी है बहुत ही टेस्टी डिलिशियस और ठंडे मिल्क शेक आज की रेसिपी में मैं शेयर करूंगी छह अलग टाइप के मिल्क शेक इनको आप घर पे बनाएं और हर दिन अलग अलग मिल्क शेक इंजॉय करें मार्केट से खरीदने में ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं और वो रियल बेनिफिट्स भी नहीं देते तो इसीलिए आप इन्हें घर पे बनाएं और समर्स को इन्जॉय करें तो सबसे पहले हम बनाएंगे एप्पल मिल्क शेक इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक कप एप्पल एक कप हम लेंगे मिल्क आप इन दोनों की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और एक से दो छोटे चम्मच चीनी या फिर आप इसकी जगह हनी भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ हम ले लेंगे एक ब्लेंडिंग जार इसमें हम ऐड करेंगे एप्पल मिल्क और चीनी और इन सभी को अच्छे से ब्लेंड करने से पहले इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और अब मैंने कर लेंगे ब्लेंड तो हमारा एप्पल मिल्क शेक बन के तैयार है बहुत ही ईजी और क्विक ड्रिंक है इसके अंदर एप्पल के बेनिफिट्स हैं और मिल्क के बेनिफिट्स हैं और ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए नेक्स्ट मिल्क शेक है हमारा बनाना मिल्क शेक तो यहाँ मैंने लिया है एक कप मिल्क एक बनाना कट कर लिया है एक छोटा चम्मच चीनी और वन फोर छोटा चम्मच इलायची पाउडर तो एक ब्लेंडिंग जार में हमने ऐड कर लिया है बनाना मिल्क चीनी और इलायची का पाउडर आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी आइस क्यूब्स मैं ऐड कर रही हूँ इसमें जिससे ये बिल्कुल ठंडा ठंडा बने और हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो तैयार है हमारा बनाना मिल्क शेक इसके अंदर इलायची आप ज़रूर डालें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब इसे मैं गार्निश कर लूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते के साथ तो नेक्स्ट मिल्क शेक है हमारा डेट्स यानी कि खजूर का मिल्क शेक यहाँ मैंने लिए हैं आठ से दस खजूर इनके मैं बीज अलग निकाल लूँगी और इस तरह से बीज से कट लगा के इनके बीज आप अलग कर लें तो यहाँ मैंने सारे खजूर के बीच अलग निकाल दिए हैं और अब हम इसको मिल्क के साथ थोड़ा सा पकाएंगे यहाँ मैंने लिया है आधा कप मिल्क फ्लेम रखी है मीडियम पे और इसमें हम ऐड कर देंगे खजूर और सात से आठ बादाम आप इसमें काजू किशमिश या अपनी चॉइस की कोई भी और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं एक बॉयल आने देंगे मिल्क में और मिल्क में बॉयल आ चुका है अब इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे I mean मिल्क को और ये मिल्क ठंडा हो चुका है अब हमने लिया है एक ब्लेंडिंग जार इसके अंदर हम खजूर बादाम और मिल्क ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस आधी छोटा चम्मच और आधा कप मिल्क और पिसी हुई इलायची का पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच और अब इन सभी को अच्छे से ब्लेंड करेंगे आइस क्यूब डाल के तो ये देखिए हमारा डेट्स यानी कि खजूर का टेस्टी सा मिल्क शेक बन के रेडी है इसको गार्निश करें बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ता के साथ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आप चाहें तो इसमें चीनी डालें और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं चीनी डालना इसमें नेक्स्ट हमारा मिल्क शेक है मैंगो मिल्क शेक जो कि ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है तो यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का मैंगो एक कप मिल्क एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची पाउडर और एक से दो छोटा चम्मच चीनी तो ब्लेंडिंग जार में हम ऐड कर देंगे मैंगो मिल्क और चीनी और इसी के साथ इलायची पाउडर इलायची पाउडर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है मैंगो के साथ मिक्स होकर और आइस क्यूब्स डाल के हम इस सब को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो हमारा मैंगो मिल्कशेक बन बनके बिल्कुल रेडी है आप चाहें तो इसको ब्लेंड करने से पहले इसमें काजू भी डाल सकते हैं मैं इसे गार्निश कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और टूटी फ्रूटी के साथ नेक्स्ट मिल्कशेक है हमारा ड्राई फ्रूट मिल्क शेक ये बहुत ही हेल्दी है यहाँ हमने लिया है आधा कप मिल्क और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे 10 से 15 बादाम 10 से 12 काजू और 10 से 15 किशमिश और 8 से 10 पिस्ता ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के कोई भी यूज़ कर सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी भर केसर और ऐड किया है मैंने और इन सभी चीज़ों को एक बॉयल आने तक बॉयल कर लें आप ये देखिए बॉयल आ चुका है इससे क्या होगा आ, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को पहले इसे भिगो के भी रख सकते हैं तो यहाँ हमने ले लिया है एक ब्लेंडिंग जार और हाँ मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है तो इस मिक्सचर को हम डालेंगे ब्लेंडिंग जार में और ऐड करेंगे आधा कप मिल्क और और थोड़ी सी चीनी एक छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं आप अपने टेस्ट के, के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं और थोड़ी सी आइस क्यूब्स और अब इन सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लें तो हमारा ड्राई फ्रूट मिल्क शेक रेडी है ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्ट में बहुत ही अच्छा इसको गार्निश किया है मैंने बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ और थोड़ी सी केसर के साथ तो हमारा ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है हमारा नेक्स्ट मिल्क शेक है चीकू शेक यहाँ मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज के चीकू कटे हुए एक कप मिल्क ले लेंगे और एक छोटी चम्मच चीनी यूज़ कर रही हूँ मैं आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं और पाँच से छः काजू लिए हैं इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस मिल्क शेक में या हमने ले लिया एक ब्लेंडिंग जार इसमें हम ऐड करेंगे चीकू और मिल्क ऐड कर देंगे काजू डाल देंगे और चीनी और आइस क्यूब्स डाल के हम इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो हमारा चीकू मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है तो आप इसके अंदर थोड़े से कटे हुए चीकू के टुकड़े भी डाल सकते हैं और भी अच्छा टेस्ट आएगा तो इनमें से आपका फेवरेट मिल्कशेक कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं तो ये थी हमारी छह डिफरेंट टाइप के सिंपल इजी और बिना आइसक्रीम के बनने वाले मिल्कशेक्स की रेसिपी अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में तब तक के लिए बाय हैप्पी कुकिंग